ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ओनली 30 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स में, राइट? अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी हुई नहीं है, एंड सम स्टूडेंट्स हैव नॉट येट स्टार्टेड। करना चाहते हैं स्टार्ट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, पर कर नहीं पा रहे हैं, है ना? तो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले एक प्लान होना बहुत जरूरी है। सिंस यू हैव स्टिल 1 month लेफ्ट, आपके पास 1 महीना है, आप अच्छा कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत हद तक पढ़ लिया है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी स्टडी प्लानर्स हैं, वॉट एवर सूट्स यू। अभी अगर मैं टोटल 30 डेज की बात करूं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम day 1 to 3, शुरू में क्या करो ना, आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करो, ठीक है? आपने अगर वो भी नहीं किया तो सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, समझिए, टॉपिक्स देखिए कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है, वेटेज किसका कितना, पहले समझ लो, तभी तो प्लानिंग होगी, स्ट्रैटेजी होगी, और फिर आप अच्छे से तैयारी करके उसको पास कर सकते हो अच्छे मार्क्स से, ठीक है? सिलेबस देखो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, PYQ। एक दिन में अगर एक मंथ अगर ऐसे कर लोगे शुरू के 1-2-3 दिन में, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दूं। इसके बाद आप एक स्टडी प्लान बनाओ, क्रिएट अ स्टडी प्लान। हमने सिलेबस को समझ लिया है, और अब आप अपने सिलेबस को ब्रेक करो इनटू चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, एंड एलोकेट डेज टू कवर स्पेसिफिक टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। हर चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हैं, बट क्या हर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है? ऐसा नहीं है। देयर आर सम टॉपिक्स जिसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, 80% ऑफ द क्वेश्चन कम्स ओनली फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। सो आपको वो ढूंढना है, वो 20% कौन सा है, और वो आप कैसे ढूंढ सकते हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हेल्प से, करेक्ट? तो उन टॉपिक्स को ढूंढिए, एलोकेट डेज टू कवर स्पेसिफिक टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब अपने दिनों को उसके हिसाब से डिवाइड कीजिए कि किस दिन में मुझे क्या क्या करना है, और बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, कंप्लीट करना है जिस दिन का जो टारगेट है। अब day 7 to day 10 में क्या करोगे, इनिशियल रिविजन स्टार्ट करेंगे, पर किससे स्टार्ट करेंगे? Start with a quick revision of the topics you have already covered. Easy वाले से करोगे तो थोड़ा सा concentration बनेगा, थोड़ा सा confidence build होगा कि हाँ भाई मैं तो थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। So identify the area where you need to focus more. आपको वो भी identify करना है, अपने जज आप खुद बनो। अब आते हैं day 11 से 15 में, इन 4 दिन में क्या करेंगे? अब थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे subject 1 and subject 2, थोड़ा सा डीपर डाइव जो कहते हैं ना इनटू द 2 subjects लेंगे। फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है। और जब जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जब से आने लगे हैं, तब से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। कमिंग टू day 16 to 20, सो डिटेल स्टडी अब तीसरे और चौथे सब्जेक्ट का कीजिए। 1 से 2 का कंप्लीट हो गया, 3rd 4th का करो। रिपीट द प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 2 subjects, सेम प्रोसेस। और एक बैलेंस बनाओ बिटवीन योर थ्योरी एंड योर प्रैक्टिस, लिख लिख के बेटे प्रैक्टिस करनी होती है। अब आते हैं day 21 to 25। अब हमारी तैयारी हो गई है ना, तो हम मॉक टेस्ट एंड रिविजन करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के, और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करो एंड फोकस ऑन द वर्किंग एरियाज। मान लो कि कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपके नंबर नहीं बन पा रहे हैं, सम कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ फार्मूलाज हैं जो भूल गए थे, कुछ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो समझ में नहीं आया, बना नहीं पाए, तो वहाँ पे फिर से फोकस करोगे, ठीक है? 28 लास्ट के जो 2-3 दिन बचेंगे फाइनल रिविजन देंगे। फोकस ऑन द क्विक रिविजन ऑफ द इंटायर सिलेबस, एम्फेसाइज की फॉर्मूला, जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि बोर्ड में कीवर्ड्स के नंबर होते हैं, कीवर्ड की फॉर्मूला शीट्स होती है, वो सब याद करते हैं, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देन यू विल बी सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स और PYQs जिसको कहते हैं। अब 28 डेज में आपका कंप्लीशन तो हो गया, और लास्ट मिनट रिविजन करेंगे, और अब 29th डे में भाई हम रिलैक्सेशन भी करेंगे, अपने नोट्स को रिव्यू करो, क्यू पॉइंट्स को देखो, पैनिक नहीं करना है, अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स। अब चूंकि हम अपने जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, तो अब हम नए टॉपिक्स नहीं उठाएंगे, अगर सर्टेन टॉपिक्स नहीं हो पाए हैं तो यू विल लीव इट, ठीक है? एंड पढ़ाई जो करते हो ना, उसके बीच थोड़े थोड़े शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं और रेस्ट भी लेते हैं, ठीक है? अब जो 30वां दिन है एग्जाम डे प्रिपरेशन, वेकअप अर्ली,
रिवाइज योर फॉर्मूला, जो भी जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से स्टे काम, काम रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में हम ब्लैंक हो जाते हैं, याद है पर समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या था। सो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट लेके आएंगे। कुछ जनरल टिप्स की बात करें तो स्टिक टू अ कंसिस्टेंट स्केड्यूल। आप जो स्केड्यूल बनाते हो ना, एक दिन फॉलो करते हैं, हम दूसरे दिन भूल जाते हैं, नहीं करते, वो नहीं करना है। ब्रेक्स, जब भी हम पढ़ते हैं लगातार लंबी लंबी पढ़ाई नहीं करो, 4 घंटे 5 घंटे, टेक शॉर्ट ब्रेक्स ताकि आप फिर से थोड़ा सा फील करो कि हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ, आई कैन स्टार्ट अगेन, रिफ्रेश फील करो। एग्जाम के टाइम में आपको न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, नींद अच्छी लेनी चाहिए, अनहेल्दी बाहर की चीजें अवॉइड करो कि बीमार अगर पड़ गए तो 1-2 दिन तो 4-5 दिन भी उसमें जा सकता है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिविटी इज वेरी मच नीडेड। इसके बाद यस, क्लास 10th के लिए तो आपको पता ही है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आपको 33 लाना है, एंड क्लास 12th के लिए होता यह है कि थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना होता है। और एक और चीज बता दूं, जब आप तैयारी करोगे, व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी याद करना, Q&A जो बैक क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर से भी आप देखोगे उसके MCQs, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 5 years के आप PYQs एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। हैव अ फॉर्मूला शीट, एक फॉर्मूला शीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिविजन नोट्स तो आपके पास होगा ही रिवाइज करके, ये सारी चीजें आप जरूर करो, एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। नाउ दोज स्टूडेंट क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री, जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, बेटे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। 22nd जनवरी से भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट दिस ID और इस नंबर पे व्हाट्सएप या SMS भेज सकते हैं। क्लासेस विल बी वाया जूम और इंटायर सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा NCERT बेस्ड। रिविजन नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर रिविजन नोट्स जो आपको कम टाइम टेकिंग है और अच्छे से याद हो सके। देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको PDF मिल जाएगी पर चैप्टर। देन NCERT के Q&A मिल जाएंगे आपको, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट्स लाइक जो आपके फॉर्मूला शीट्स होते हैं, चार्ट की शीट होती है, ग्राफ की शीट होती है, केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस की PDF होती है, सो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर क्वेश्चन जो है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए बन चुकी हैं, और इनके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।